सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और पेट्रोल की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। ऐसे में आज भी दुनिया भर में रेलवे का सफर सस्ता और महफूज तरीन समझा जाता है। रेलवे का खूबसूरत स्टेशन होने के बावजूद पंजाब के शहर सोहावा में रेलगाड़ी का स्टॉप ही नहीं, जिसके बायस शहरी सस्ती और महफूज सफरी सहूलियात से महरूम है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में रेलवे पर कम ही तवज्जो दी गई है और कयाम पाकिस्तान से कबल कायम रेलवे के निजाम में कोई खातिरख्वाह तब्दीली नहीं हो सकी। हुकूमत मोटरवे और रोड्स पर तो तवज्जो दे रही है, लेकिन रेलवे की हालत दिन ब दिन खराब से खराबतर हो रही है। किसी दौर में सोहावा के रेलवे स्टेशन पर खूब रौनकें और मुसाफिरों का दिन रात रश होता था, लेकिन आज ट्रेनों के स्टॉप न होने की वजह से हर तरफ वीरानी और उदासी छाई है। ये रेलवे स्टेशन कयाम पाकिस्तान से कबल 1881 में कायम किया गया। इस रेलवे स्टेशन के आसपास खूबसूरत कुदरती मनाजर, 60 दर्जे मोड़ और बल खाती हुई पटरी का दिलकश नजारा देखने के लिए लोग आ जाते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन वीरान होने पर अफसरदगी का इजहार भी करते हैं। रेलवे का सफ़र जो है ना, वो बड़ा एक खूबसूरत सफ़र है और हमारे शहरियों के लिए मैं समझता हूँ कि इंतहाई सस्ता सफ़र भी है, लेकिन हम सोहावा के शहरी जो हैं इससे महरूम हैं, जिस वजह से हमें बड़ी परेशानी है। जब कभी हमें फैमिलीज़ के साथ जाना पड़ता है, आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना पड़ता है, जैसे कराची जाना पड़े या कोटा या किसी भी और ऐसे दूर शहर, तो हमें या गुजरखान से जाना पड़ता है या हमें जो है अपना झेलम से जाना पड़ता है। तो इसलिए हुकाम से हमारी ये गुजारिश है कि इस रेलवे स्टेशन पे स्टॉपेज को बहाल करें ताकि हमारे लिए आसानी हो। सोहावा रेलवे स्टेशन पर अगर मुसाफिर ट्रेन का स्टॉप बहाल कर दिया जाए तो न सिर्फ सियाहत में इजाफा होगा बल्कि तहसील सोहावा के साथ साथ जिला चकवाल के लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। मोहम्मद नजीबुर रहमान, पाकिस्तान टुडे डिजिटल न्यूज, सोहावा।